सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए दो जजों के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। इसमें से पहले है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति भूषण गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पदोन्नत कर शीर्ष अदालत का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है और इसी के साथ अब ये संभावना बढ़ गई है कि संभवतः जस्टिस भूषण गवई देश के दूसरे दलित प्रधान न्यायाधीश बन सकते हैं। सेवा ज्येष्ठता के आधार पर देखा जाए तो 2025 में जस्टिस भूषण गवई देश की शीर्ष अदालत के प्रधान न्यायाधीश बन सकते हैं। जस्टिस भूषण गवई हाईकोर्ट के जजों में अभी 10वें नंबर पर है और फिलहाल मुंबई हाईकोर्ट में जज है, जबकि न्यायमूर्ति सूर्यकांत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपडेट की गई सिफारिश के अनुसार प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने बुधवार को हुई बैठक में अंततः 2 लोगों को शीर्ष अदालत भेजने की सिफारिश की है। शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों के 31 पद स्वीकृत है। फिलहाल न्यायालय में 27 न्यायाधीश है। जस्टिस भूषण गवई की बात करें तो वे पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ रिपब्लिकन नेता आरएस गवई के पुत्र है। आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और गुवाहाटी के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एएस बोपन्ना का नाम भी सुप्रीम कोर्ट जज के लिए एक बार फिर से भेजा है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठता के ग्राउंड पर इन दोनों का नाम वापस कर दिया था, लेकिन कॉलेजियम ने दोबारा उन दोनों का नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भेजा।